देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई प्रोग्रेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी सीखा प्रोग्रेशन। देखो क्या होता है, अगर मान लो हमें nth टर्म इस टाइप का दिया जाए, k n plus b, मतलब n में लीनियर, जैसे क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं ना ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर है, x की पावर 1 है। तो अगर हमें nth टर्म जो है वो n में लीनियर दिया जाए, देखो जैसे यहाँ पर हो गया ए एन बराबर के एन प्लस बी, देखो एन की पावर 1 है, देखो ये लीनियर है, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान इसको, मतलब इसी को हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसमें जो हमारा एंथ टर्म है वो लीनियर होता है, एन में लीनियर होता है, एन की पावर 1 में होता है ना, इस प्रकार के। देखो जैसे अगर हम मान लो इसमें n इक्वल टू 1 रख दें, तो ए वन क्या हो जाएगा, के प्लस बी, ए टू क्या हो जाएगा, 2k+b, ए थ्री क्या हो जाएगा, देखो 3k+b, है ना, ए फोर क्या हो जाएगा, देखो 4k+b, एंड सो। देखो जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसमें k ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा, इसमें k ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा, इसमें k ऐड कर दें ये मिल जाएगा, मतलब जैसे यहां पर क्या होता है, जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे t2 में से t1 करोगे माइनस तब भी k मिलेगा, t3 में से t2 माइनस करोगे तब भी k मिलेगा, फिर भी k मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर जो टर्म्स का डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, तो इसलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, है ना। देखो ये डी जो है, ये टी टू माइनस टी वन भी हो सकता है, ये टी थ्री माइनस टी टू भी हो सकता है, ये टी फोर माइनस टी थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखो जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया 1 4 7 10 13, देखो ध्यान दो, अब जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसका डिफरेंस 3 है, इसका भी 3, देखो यहाँ पर डिफरेंस कॉमन है, तो इसलिए ये एक एपी है। तो एपी की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि पास पास के टर्म्स का डिफरेंस कॉमन होता है, तो देखो जैसे यहाँ पर डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस, है ना, डिफरेंस कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो दो पास पास के टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें nth टर्म जो है वो n में लीनियर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने एक एपी ले लिया, मैंने एक एपी ले लिया, पहला टर्म ए, दूसरा ले लिया ए प्लस डी, तीसरा ले लिया ए प्लस टू डी, मतलब देखो इसमें डी एड किया ये मिला, इसमें डी एड किया ये मिला, फिर डी एड करेंगे देखो ये मिलेगा। देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है वो ए है, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, तीसरा क्या है देखो ए प्लस टू डी, और अगर हम एंथ टर्म निकालेंगे तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये हमारा एक फार्मूला बन गया एंथ टर्म को निकालने का, है ना, देखो इसमें फर्स्ट टर्म ए है ना, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए है, और देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो डी है ना, तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एंथ टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला एंथ टर्म को निकालने का एपी में हमें याद रखना है, काफी इजी है, हो सकता है आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हो इसको 10th वगैरह क्लास में, ना आजकल 10th क्लास में भी आ गया है थोड़ा सा ये, बस थोड़ा सा ये, अभी हम लोग यहाँ पर इसको और डिटेल से सीखेंगे एपी को, है ना, तो धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभी स्टार्टिंग है जस्ट इसकी, है ना, तो कॉमन डिफरेंस अगर डी है और फर्स्ट टर्म ए है, तो एपी के एंथ टर्म को निकालने का फार्मूला क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, लिखो जरा बच्चों पहले इसको ध्यान से,